इंडिया में जो 15,000 रुपीज के अंदर वाला मार्केट सेगमेंट है ना, काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव है। आपको ऑलराउंडर स्मार्टफोन मिल जाता है, अगर आपको गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए वो मिल जाता है, डिस्प्ले चाहिए या फिर बैटरी सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए वो भी मिल जाता है। बट कैमरास अगर आपको चाहिए ना इस प्राइस रेंज में, हमेशा मैं कहता आ रहा था कि स्किप करो 17-18 हज़ार रुपए खर्च करो, या फिर इस प्राइस रेंज में जो स्मार्टफोन आते हैं कैमरा को बूस्ट करते हुए सिर्फ नंबर्स पे खेलते हैं या फिर कुछ ना कुछ गिमिक ही रहता है। बट अभी याद है पोको X3 Pro काफी ज्यादा वायरल हो रहा है क्योंकि स्नैपड्रैगन 860 मिल रहा है 20,000 रुपए के अंदर। उसी का छोटा भाई पोको X3 आया था 17,000 रुपीज का, उसके बारे में हमने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस भी बनाए थे, आप चेकआउट कर सकते हैं। 15,000 रुपीज में गारंटी के साथ बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन या फिर बेस्ट वीडियोग्राफी स्मार्टफोन अगर आपको चाहिए, पोको X3 इज द वे टू। चाहे आपको यूट्यूब पे वीडियोस बनाना है या फिर फोटोग्राफी एंथुजियास्ट हो, फोटोज वगैरह खींचते रहते हो, व्लॉग्स बनाना है, इससे बेटर कैमरा नहीं मिल सकता, इससे बेटर स्टेबलाइजेशन नहीं मिल सकता, इससे बेटर डिटेल्ड फोटोज या फिर डिटेल अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिल सकता। टू बी ऑनेस्ट, जब ये स्मार्टफोन आया था ना, मैंने खुद इसे अच्छे तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया था, काफी गलत चीजों के लिए इसे मैंने प्रमोट किया था, जैसा कि हैवी स्मार्टफोन है या फिर इसके जो डिस्प्ले है वो हल्का फुल्का लैग कर रहा है, जो कि बाद में निकला कि सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से लैग कर रहा था, या फिर इसका जो स्टीरियो स्पीकर जिसे मैंने ट्रिमर के साथ कंपेयर किया था, बाद में यार उसे भी इन्होंने अपडेट से ठीक कर दिया। बट मेन इसका जो हाईलाइट था ना कि इसका कैमरा सेंट्रिक परफॉर्मेंस, मैंने अपने फुल रिव्यू पे भी बताया था कि 2020 में 20,000 रुपए के अंदर बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए तो Realme 7 Pro या फिर Poco X3, उसे इतना ज्यादा हाईलाइट किसी ने नहीं किया, या जिन्होंने भी किया जो उसके साथ नेगेटिविटी आ रहा था ना उसके वजह से वो दब गया होगा। बट अभी 15,000 रुपीज में मिला है, एंड लेट मी गिव माय ओपिनियन ऑन पोको X3। पोको X3 में क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है 64+13+2+2। हाँ, मैंने मिस्टेक नहीं किया, 64+8 नहीं बोला, मैंने 64+13 बोला। ऑफकोर्स इसमें एक यूजेबल अल्ट्रावाइट कैमरा मिल जाता है, और सेल्फी के बारे में बात करें तो 20 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाता है, सोनी के सेंसर दिया गया, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका जो कलर साइंस हो गया, चाहे हम रियर कैमरा के बारे में बात करें, डिटेल फोटोज निकालता है, कलर साइंस हल्का सा वार्म टोन पे अगर आप एडिट वगैरह कर सकते हो वेल एंड गुड, वरना फिर भी बहुत ही बढ़िया लगता है, ऐसा नहीं लगता कि ओवर एक्सपोज कर रहा है, डायनेमिक रेंज इसका काफी बढ़िया लगा। अगर मैं इसके अल्ट्रावाइट के बारे में बात कर रहा हूँ ना, आई कैन कीप ऑन टॉकिंग, आई कैन गारंटी 15,000 रुपीज में इससे बेटर अल्ट्रावाइट नहीं ले सकते। जब भी मैं अपने कैमरा रिव्यू पे अल्ट्रावाइट के बारे में बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इंडोर पे मत लेना, क्योंकि 20,000 के अंदर जो भी सेगमेंट आता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइट आता है, एंड इंडोर पे इट जस्ट डिस्ट्रॉयज द फोटो। बट इसके साथ ऐसा नहीं है, आप इंडोर पे भी ले सकते हैं, आउटडोर पे भी अच्छी तरीके से अल्ट्रावाइट ले सकते हैं। बाकी जो दो कैमराज है वो कंप्लीटली गिमिकी है, बट जो मेन है, मेन सेंसर हो गया, अल्ट्रावाइट हो गया, अगर आपको कुछ सेल्फी कैमरा लेना है ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से ले सकते हैं। सेल्फीज में मेरे को पोको X3 का कलर साइंस काफ़ी सही लगा, जो स्किन है उसे ब्यूटीफाई कुछ ज़्यादा नहीं करता, इस वजह से जो रियल स्किन टोन है वो आपको देखने को मिलता है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि आप फोटोशॉप करके बाहर निकले हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। रियलमी के साथ हमें ये लैकिंग लगता है। वीडियो इसका एक और बड़ा हाईलाइट है, 15,000 रुपये में बहुत ही ज़्यादा कम स्मार्टफोन होता है जिसका स्टेबलाइजेशन बढ़िया होता है। अब मेरे पास रियलमी 8 भी है, इसके स्टेबलाइजेशन इतना इतना बेकार है कि हमने इसके फुल रिव्यू पे भी, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो पे भी बनाया था और बताया था कि EIS इसका बढ़िया नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि Realme के EIS या इनका जो UIS होता है वो बेकार होता है, Realme 7 हो गया या फिर Realme 7 Pro, इन सब में काफ़ी बढ़िया था। बट एक चीज़ मैं हमेशा अपने Realme के वीडियोग्राफी रिव्यू पे कहता हूँ, जब भी आप UIS मैक्स स्टेबलाइजेशन ऑन करते हो ना तो वीडियो है उसमें डिटेल नहीं देखने मिलता, बट पोको X3 के साथ ऐसा नहीं था। अब मेरा इसका ना डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू या फिर डेडिकेटेड वीडियो कैमरा रिव्यू देख सकते हैं, जिसमें मैंने ब्लॉग्स टाइप पे वीडियो बनाया था, मतलब सेल्फी से भी, रियल से भी, नाइट पे, डे पे, सब पे मैंने बात किया था। एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट अगर आपको ब्लॉग्स बनाना है, 15,000 आपका स्ट्रिक्ट बजट है, स्टेबल वीडियोस चाहिए, तो पोको X3 ही लेना पड़ेगा। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ कैमरा इसका हाईलाइट है बाकी सब वीक होगा, बता देता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको 6.67 इंचेस का FHD+LCD डिस्प्ले मिल जाता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। जब मैंने इसे यूज़ किया था ना, 1 मंथ कह रहा हूँ, तो मेरे को हल्का फुल्का लैग नजर आ रहा था, और वो सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से ही है, अपडेट के बाद वो ठीक हो गया होगा। अगर बाकी चीज़ों के बारे में बात करें, स्नैपड्रैगन 732G मिल जाता है, विच इज नॉट द मोस्ट स्टेबल अगर मैं इसे 720G के साथ कंपेयर करूँ, बट परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी सही है। जब मैं गेम्स वगैरह इस पर खेल रहा था काफ़ी सही परफॉर्मेंस मेरे को देखने मिल रहा था। आप इसका फुल रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं। 2-3 गेम्स में हल्का फुल्का ऑप्टिमाइजेशन का इशू था जिसके बारे में मैंने बात किया था, बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बढ़िया था। 6,000 mAh का बैटरी मिल जाता है, एंड बॉय ओ बॉय इट विल लास्ट यू ऑलमोस्ट 9 आवर्स। मेरा जो बैटरी ड्रेन टेस्ट था उसमें 9 आवर्स से ज़्यादा चला था। हेवी यूसेज पे भी बढ़िया मिलता है। अगर आप सोच रहे हो कि 6,000 mAh बैटरी है, टाइम लगेगा चार्ज करने के लिए, 33W का फास्ट चार्जर बॉक्स में मिलता है, 1 आवर 45 मिनट्स के आसपास फुल चार्ज भी कर देता है। तो ओवरऑल एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन बता सकते हैं 15,000 रुपीज़ के अंदर। अब 17,000 रुपीज़ में इसका कॉम्पिटिशन बहुत सारे स्मार्टफोन था, बट अभी 15,000 रुपीज़ में इट इज़ ऑन अ लेग ऑफ इट्स ओन। मतलब
दो तीन कमियां अभी भी है, जैसे इसका वेट है 225 ग्राम्स का है, सभी के लिए नहीं हो सकता। इसका जो बिल्ड है उतना बढ़िया नहीं है, थोड़ा सा इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अजीब सा लगता है। बट ओवरऑल अगर आप देखा जाए, जिसको सिर्फ कैमरा या सिर्फ वीडियोग्राफी चाहिए, जिसको एक बड़ा सा डिस्प्ले चाहिए, जिसे Y1L1 का भी सपोर्ट चाहिए, जिसे स्टीरियो स्पीकर्स चाहिए, दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्मार्टफोन मेरे हिसाब से। मेरे को शेयर करना था क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि पोको X3 को सभी लोग भूल गए, जबकि इसमें प्राइस कट भी मिला है, 15,000 का बिक रहा है। अभी फ्लिपकार्ट का सेल भी होने वाला है, हो सकता है कि उसमें 1,000 रुपये का ऑफर मिले। तो एनीवे, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको लगता है कि ये टाइप का वीडियोस पसंद आ रहे, शेयर्स भी करना। अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।